हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मेलकम फ्रॉम मुंबई। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लाइफ स्टाइल विद एटोमी। आज का वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, जो कि हेयर केयर के लिए है, जो उन लोगों के लिए है जो आजकल हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और एक नेचुरल हेयर केयर रूटीन देख रहे हैं अपने बालों को लगाने के लिए। जो नेचुरल तरीके से हेयर केयर का प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे लोग, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा रिज़ल्ट आपको बताने जा रहा हूँ जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, और कई सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो ये नेचुरल हेयर केयर के प्रोडक्ट्स यूज़ करके उन्हें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। ओके, तो आज का वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखो। जो मेरे व्यूवर्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, वो स्पेशली मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ऐसे और कई हेयर प्रोडक्ट्स का भी वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूँ। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ एक नेचुरल हेयर केयर प्रोडक्ट्स, कौन सा प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे क्या रिज़ल्ट आया है और कितने लोगों को ऐसे रिज़ल्ट आया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लिंक को क्लिक करके आप वो भी रिज़ल्ट आप देख सकते हो, बाकी लोगों का भी, पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे। ओके, और तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, एक नेचुरल हेयर केयर रूटीन, क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट यूज़ किया, मुझे खुद को एक हेयर फॉल का प्रॉब्लम था। आजकल लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हेयर से रिलेटेड, हेयर फॉल का प्रॉब्लम, डैंड्रफ, गंजापन और ड्राइनेस, ये सब हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। तो मुझे भी ये सब प्रॉब्लम था, तो मैंने इसलिए ये हेयर केयर रूटीन एक मैंने यूज़ किया था, और ये मैं एक हेयर केयर का रूटीन बना चुका हूँ। ऑल्टरनेट डेज पे मैं इस हर्बल हेयर शैम्पू, आप ये देख सकते हो, एक हर्बल हेयर शैम्पू है, नाम ही देख सकते हो आप, हर्बल हेयर शैम्पू। इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा ये हर्बल शैम्पू में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या यूज़ किया इंग्रेडिएंट्स। और दूसरा जो प्रोडक्ट है, एसेंशियल हेयर ऑयल, ये भी 6 टाइप ऑफ एसेंशियल ऑयल से बनाया है ये प्रोडक्ट। और इसके साथ में एटोमी का संगोधन हेयर टॉनिक, ये हेयर टॉनिक पे मैं इस वीडियो पे बात करने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखो तभी आपको पता चलेगा। ओके, ये एटोमी का संगोधन हेयर टॉनिक काफ़ी सारे नेचुरल हर्ब से बनाया हुआ है, जैसे एटोमी एंजेलिका दहोरिका, एस्पेरेगस लुसिडस, स्वर्टिया जपोनिका एक्सट्रैक्ट, क्रेसेंथमम सिबिरिकम, ऐसे काफ़ी सारे नेचुरल हर्ब्स है। उस नेचुरल हर्ब्स को इकट्ठा करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के इस टॉनिक को बनाया है। तो ये सारे नेचुरल हर्ब्स क्या करता है कि पहले तो ये इसमें विटामिन ए, विटामिन सी है, विटामिन ई है, जो हमारे स्कैल्प का ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ाता है, क्योंकि जब तक स्कैल्प का ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बाल ठीक तरीके से ग्रो नहीं होगा। ओके, और स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो इससे क्या होगा, एक अच्छा हेयर ग्रोथ आपको मिलेगा, प्लस आपका हेयर थिकनेस जो है, जो एकदम पतला हो जाता है बाल, उसको भी ये प्रमोट करता है, मेंटेन करके रखता है थिकनेस को, और एक अच्छा जो बाल टूट जाता है ना लोगों का, ब्रेक होता है, उसको भी स्टॉप करता है, हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है। सबसे पहले टॉनिक क्या करता है काम, कि हेयर लॉस है उसको, हेयर फॉल को टैकल करेगा ये टॉनिक, सबसे पहले हेयर फॉल को टैकल करेगा, उसके बाद में ये जो भी बंद स्कैल्प में जितना भी बंद पोर्स है, क्योंकि हमारे स्कैल्प में 80,000 पोर्स रहते हैं, वो पोर्स जब बंद रहेगा तो वहाँ से हेयर ग्रोथ नहीं आएगा। ओके, तो पहले ये पोर्स में जितने बंद स्कैल्प में जितने भी बंद पोर्स है, उस पोर्स को ओपन करता है, फिर जितने भी डर्ट्स है वो डर्ट को रिमूव करेगा, क्लीन करेगा, फिर नरिश करेगा पोर्स को, उसके बाद एक अच्छा हेयर ग्रोथ देगा। तो आप इसको जिनको बैल्डनेस का प्रॉब्लम है उनके लिए हो सकते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं अभी शेयर करूँगा इस वीडियो में, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। मेरा इमेज बताऊंगा कि पहले मैं प्रोडक्ट यूज़ करने के पहले मेरा कैसा स्कैल्प था, और यूज़ करने के बाद में मेरा स्कैल्प कैसा है, आपको मैं अभी वही बताने जा रहा हूँ। ये आप मेरा रिज़ल्ट देख सकते हो दोस्तों। मैं जब एटोमी का हेयर केयर प्रोडक्ट्स, हर्बल हेयर शैम्पू, संगोधन हेयर टॉनिक और एसेंशियल हेयर ऑयल यूज़ करने से पहले का ये फ़ोटो है, आप यहाँ पर देख सकते हो, पीछे का जो साइड में जो स्कैल्प में आप देख सकते हो, यहाँ पे बाल ही नहीं था, बैल्डनेस था वहाँ पे, उसी बैल्ड एरिया में आफ्टर ये तीन प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद का रिज़ल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा। मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ, ये रिज़ल्ट आया है, तो आप देख सकते हो हेयर टॉनिक का
ये तीन प्रोडक्ट हेयर टॉनिक का जो रिज़ल्ट है आप देख सकते हो कैसे बाल ग्रो होता है स्कैल्प में। तो ये तीन प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया, उसके बाद का ये रिज़ल्ट है। थोड़ा सा और जूम करके मैं बताता हूँ आपको, मैंने जब इस वीडियो पे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि टॉनिक क्या करता है कि पोर्स को ओपन करता है, पोर्स को ओपन करने के बाद में वहाँ पे नरिश करके इसको बाल वहाँ से ग्रो होता है, न्यू हेयर ग्रो होता है। तो ये उसी का रिज़ल्ट है जो मैंने आपको कहा था। मैं यहाँ आप नज़दीक से देख सकते हो कि ओपन पोर्स से ग्रो हो रहा है बाल। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सामने भी है। अब यहाँ पे देखो छोटे छोटे छेद है यानी कि वहाँ से बाल आएगा, जहाँ पे रूट है वहाँ पे बाल ग्रो होगा, वहाँ पे हेयर ग्रोथ होगा। तो ये रिज़ल्ट है, मैंने इसलिए आपको बताया। और भी कई सारे रिजल्ट्स, बाकी लोगों के भी रिजल्ट्स है, जो जिन लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ किया उनको भी अच्छा रिज़ल्ट आया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हो। और दूसरा, हेयर टॉनिक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि टॉनिक कैसे यूज़ करना है और इसमें हर एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में डीप नॉलेज मैंने उस वीडियो पे मैंने दिया है, आप उसके क्लिक करके आप वो भी वीडियो देख सकते हो। मैं उसका भी लिंक वीडियो पे शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप सीधा दिख रहा है, एकदम से फ़र्क आपको दिख रहा है लेफ्ट बिफोर और आफ्टर का। यहाँ पे कुछ भी पोर्स, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा, जो छेद आपको कुछ भी नहीं दिख रहा पहले के इसमें, अभी का उसमें आपको छेद दिख रहा है धीरे धीरे छोटा छोटा। तो यहाँ से बाल ग्रो हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो हर्बल हेयर शैम्पू के ऊपर। थैंक यू, टेक केयर, बाय।